हेलो गाइज, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे यामा की न्यू अपकमिंग MT15 125cc मॉडल के बारे में। दोस्तों, इस बाइक का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही टाइम से वेट किया जा रहा है। क्यों वेट किया जा रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि यामा की MT15 वर्जन 2.0 काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है। उस बाइक को लोग लाइक मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से यामा की MT15 125cc मॉडल का बहुत सारे लोग इंडियन टू व्हीलर मार्केट में वेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यामा इस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा या फिर नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, रीज़न ही मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा, लाइक बाइक आपको सेम वही लुक के साथ देखने को मिलेगी जो कि आपको MT15 V2 देखने को मिलती है, या फिर इस बाइक के अंदर कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। पावर आपको क्या देखने को मिलेगी, डेफिनेटली आपको पता है कि बाइक के अंदर आपको 125cc का इंजन देखने को ही मिलेगा अगर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में हमारा लॉन्च करता है तो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके डाउट हैं कि बाइक के अंदर आपको क्या फीचर देखने को मिलेंगे, ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, साथ ही बाइक के अंदर आपको और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फीचर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो देखने को मिलती रहें। ओके, अब बात करते हैं MT15 125cc मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यामा ने 125cc के MT और MT07 इंटरनेशनल मार्केट में रिसेंटली अपग्रेड करी हैं। लाइक ये बाइक काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक यूरोप में भी ये बाइक अवेलेबल है, साथ ही इंडोनेशिया जैसी कंट्री में ये बाइक अवेलेबल हैं। और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ना ही हमें MT03 देखने को मिलती है, ना ही MT07 और ना ही MT15 125। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यामा ने सिर्फ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में MT155 को ही लॉन्च किया है जो कि वर्जन 2.0 के नाम से किया है। ऑलरेडी आपको बताया क्या फीचर देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर आपको। लेकिन दोस्तों, अब यामा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में यामा की MT15 125cc मॉडल को भी लॉन्च करेगा। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो आपको अपग्रेड देखने को मिलता है MT125cc मॉडल के अंदर, जो कि आपको TFT 5 इंच का कलर डिस्प्ले लाइक ऑफर किया गया है उस बाइक के अंदर, वही मैं आपको बता दूं, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आपको इस बाइक के अंदर सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फीचर ऑफर किए जा सकते हैं। वहीं बाइक के अंदर डेफिनेटली आपको 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही, लाइक इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर आपको सारे ऑल कनेक्टेड फीचर देखने को मिलेंगे। वहीं बाइक के अंदर फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिल सकते हैं, एंड कलर आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर। ओके, ये आपको कलर स्कीम इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर यामा की तरफ से ऑफर की जाएगी। वहीं बाइक के अंदर आपको पावर तो ऑलरेडी पता है, 125cc का इंजन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड होगा। एंड बाइक के अंदर आपको 14.7 HP की पावर देखने को मिलेगी जो कि 10,000 RPM के साथ आपको देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी आपको पावर भी ऑफर की जा रही है। वहीं बाइक के अंदर आपको 11.5 Nm के आसपास टॉर्क देखने को मिलेगा जो कि 8,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको BS6 कंप्लायंट इंजन ही देखने को मिलेगा विद 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ। ओवरऑल ऑलरेडी आपको बताया कि यामा अपनी परफॉर्मेंस एंड इंजन रिफाइनमेंट की वजह से ज़्यादा जानी जाती है, बिकॉज बाइक के इंजन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और बाइक के इंजन की परफॉर्म की लाइक स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, तो आपको काफ़ी अच्छी लाइक स्मूथनेस के साथ आपको अच्छी पावर भी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं बाइक के अंदर आपको सारे कंपोनेंट जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, लाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर जो सबसे पहले MT15 लॉन्च की गई थी उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लाइक लो थी, लेकिन MT15 V2 की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी। वहीं MT15 125 की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको। इस बाइक के अंदर आपको आइकन ब्लू, टैक ब्लैक, स्टॉर्म ब्लू ये कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेगी। अगर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाती है तो MT15 V2 की काफ़ी ज़्यादा सेल जो है कम हो जाएंगी, बिकॉज बाइक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के साथ यामा लॉन्च करेगा, जो कि बहुत सारी यामा लवर ऐसे हैं जो कि MT15 V2 को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज 2 लाख के आसपास आती है ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन दोस्तों, MT15 V2 के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलेगा। वहीं बाइक के अंदर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक ऑफर किए जाएंगे, साथ ही बाइक के अंदर आपको लाइक कुछ फीचर जो ऐसे हैं जो कि मिस किए जाएंगे जिसकी वजह से लोग MT15 V2 की तरफ जाएंगे। ओके, बिकॉज अब वर्जन 3 भी आने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्जन 3
स्कूटी के अंदर आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं होगा जो कि मिस किया जाएगा, लाइक डुअल चैनल ABS ऑफर किए जाएंगे, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर जैसे सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फीचर आपको एडवांस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वर्जन 3 को परचेस करेंगे। और MT15 V2 2 लाख के आसपास आती है, तो वर्जन 3 के प्राइस 2 लाख के आसपास से थोड़े ऊपर हो जाएंगे, लेकिन MT15 125 के प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इस बाइक का सबसे ज़्यादा जो है लुक बहुत फेमस है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ ये बाइक लुक के बेस पर ही सेल होती है। MT15 125 के अंदर आपको सेम लुक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी वजह से यंगस्टर इस बाइक को इजीली परचेस कर पाएंगे और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा मिडिल क्लास लोगों के लिए। ओके, बाकी बाइक के अंदर आपको सारे फीचर ऑफर किए जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। जो फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, लाइक आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेंगे, बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, वहीं बाइक के अंदर आपको फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, प्रोजेक्टर हेडलाइट जो कि आपको देखने को मिलती है रिसेंटली लाइक करंट मॉडल के अंदर, वहीं बाइक के अंदर आपको टेल लाइट भी कॉम्पैक्ट सी यूनिक देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपको MT15 125 cc के अंदर पिलियन सीट भी एज इट इज सेम ही देखने को मिलेगी, वहीं ब्रेक आपको फ्रंट में 292 mm के देखने को मिलेंगे हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क, रियर में भी आपको 220 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिलेंगे, टायर सेक्शन में भी आपको सिमिलरली देखने को मिलेंगे MT15 V2 की तरह, लाइक फ्रंट में 100x80 का, रियर में आपको 140x70 का, दोनों ही टायर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेंगे, 125 cc का इंजन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छी लाइक माइलेज प्रोवाइड कराएगी बाइक, इसमें आपको 50-55 kmpl की अप्रॉक्सीमेट माइलेज देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इस बाइक को लोग परचेस क्यों करेंगे, और ये भी पता लग गया होगा कि इस बाइक को यामा लॉन्च क्यों करेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बाइक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं MT15 V2 को, इसी वजह से यामा इस बाइक को लॉन्च करेगा ताकि अपनी सारी ऑडियंस को इजीली कवर कर सके। वहीं बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की, तब ये बाइक कब आने वाली है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। तो दोस्तों ये बाइक जून के आसपास यामा लॉन्च करेगा, लाइक मई से जून के अंडर ये बाइक लॉन्च हो जाएगी 2023 के अंदर यामा की तरफ से। ओके, लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर जो आपको कंपोनेंट देखने को मिलते हैं वो तो सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन फीचर थोड़े से मिस देखने को मिलेंगे, बिकॉज यार 125 सीसी की है और अफोर्डेबल लाइक कम प्राइस में लॉन्च करेगा तो थोड़े फीचर तो यामा लाइक इस बाइक के अंदर मिस करेगा ही, ये तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बाइक को फिर भी परचेस करेंगे बिकॉज इसका लुक बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, आप हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले और एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।